हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं टू देवों देव कमरुनाग, मैं और मेरे तीन दोस्त, और आज लोग ट्रैवल करने वाले हैं कमरुनाग जी के लिए। तो आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करवाएंगे। फिलहाल हमें जल्दी से घर से निकलना पड़ेगा क्योंकि टैक्सी हमारा वहाँ वेट कर रही है। तो चलिए आपसे रास्ते में मिलते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग सुंदरनगर में, हम तो मौसम आप लोग देख सकते हो कितना सही है, और आप लोग एक बार मौसम चेक करिए। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कटेरू, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अगर आप लोग भी कमरुनाग की तरफ आ रहे हो तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट अभी कर लिया है, अब हम लोग रुवांडा की तरफ जा रहे हैं। तो चलो आपको रुवांडा में मिलते हैं। तो हम लोग रुवांडा पहुंच चुके हैं। रुवांडा पहुंचने के लिए आप वाया सुंदरनगर आ सकते हैं, जो कि 35 किलोमीटर का रास्ता है, और यहीं से आप लोग कमरुनाग देव जी की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली पैदल रास्ता। कमरुनाग की चढ़ाई हम लोगों ने शुरू कर दी, वो देख सकते हैं आप, रास्ता नीचे रह गया है, और मेरे साथ मेरे दोस्त साथ में पीछे आ रहे हैं। अभी रास्ता काफ़ी लंबा है, तो आप लोगों से खूब बातें करते करते चलेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों को ऐसा रास्ता मिलेगा आगे तक पूरा। कोई ऐसा पक्का रास्ता नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल पक्का रास्ता मिलेगा, ऊपर तक सारा का सारा रास्ता ऐसा कच्चा ही है। तो आने से पहले एक बार आप देख लें कि आप अगर ऐसा ट्रैक कर पाओगे तो आप आ सकते हैं। लोग देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक चिड़िया मरी हुई मिली, तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको यहाँ पे दबाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। अपने साथ पानी की बोतल कैरी करके जरूर रखें, क्योंकि आप लोगों को रास्ते में प्यास काफ़ी लग सकती है, सांस फूल सकती है। यहाँ से बहुत ही फैंटास्टिक व्यू दिख रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। व्यू चेक, चढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से लेकर आपको कुछ देर की चढ़ाई तक आपको फ़ोन के सिग्नल्स मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आप ऊपर पहुँचोगे आपको फ़ोन के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। ऊपर सिर्फ BSNL ही चलता है, और अब इस चीज़ का ध्यान रखें। जय बाबा की। जैसे आज हम लोग आए तो मौसम अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ गाइडेंस लोगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो जब आप लोग इस रास्ते पे पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको एक घर मिल जाएगा, फिर आप लोग कुछ देर के लिए बैठ सकते हो। यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो खैर फॉग है, लेकिन जिस टाइम धूप होगी उस टाइम यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। आप लोग बैठ सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, और आप पानी भर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप पानी भी भर सकते हो। ये पानी पीने का है, बिल्कुल साफ पानी है। जो पहाड़ों का पानी होता है वो बिल्कुल ठंडा पानी है, आप लोग ये यहाँ पे पी सकते हो। और अगर आप किसी को वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पे वॉशरूम भी जा सकते हैं। जगह को साफ रखिए, कोई भी कूड़ा कचरा जो अपने साथ लेके जाइए। जय बाबा की। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 35-40% रास्ता कंप्लीट हुआ है, और रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कहीं पे भी जो है, मतलब आपको बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट रास्ता नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल और ये ऊपर तक।
गाइस हम मंदिर से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पे हैं। अभी थोड़ी धुंध कम हो चुकी है, फॉग कम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा मौसम साफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मौसम का पता नहीं लगता कब मौसम बदल जाए, कब क्या हो जाए। देख सकते हो यहाँ लिखा है जय बाबा का अमरनाथ रास्ता, तो ये रास्ता जा रहा है, वहाँ से भी रास्ता जा रहा है, वहाँ से भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट रास्ते, कहीं को भी चढ़ जाओ आप रास्ते में मिल ही जाओगे, क्योंकि एक ही पहाड़ है पूरा, और ये सारे रास्ते जो हैं मंदिर तक जाते हैं। यहाँ से कमरुनाग देव की सीमा प्रारंभ हो जाती है, ये देखिए यहाँ से। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। यह एक काफी प्राचीन मंदिर है जिसमें कोई दीवार नहीं है, यह मंदिर केवल लकड़ी और पत्थर से बना है। कहा जाता है कि यह मंदिर काफी सदियों पुराना है। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्री तट से लगभग 11,000 फीट है। यहाँ पे भगवान कमरुनाथ जी की पिंडी है, जैसा कि आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। दिस प्लेस इज वॉशरूम्स आर नॉट क्लीन, क्या है यहाँ पे, तो आई थिंक आप ये वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाओगे। एक चीज़ है, अगर आप इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाने की कोई भी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे 24/7 लंगर चला रहता है। हम भी अभी लंगर खाने ही जा रहे हैं और आपको बताते हैं हमको लंगर में क्या क्या मिलता है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे लंगर दिया जाता है, यहाँ पे आपको बेंच पे बैठ के आप लोगों को खाना खाना है ऐसे, तो हम लोग भी अब यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। यहाँ पे एक और मंदिर है, आप देख सकते हैं, बस आपको आगे मेन रास्ते से जो ऊपर चढ़ना है और यहाँ से बस आपको आगे जाना है। हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ता बिल्कुल ऐसा ही जैसा नीचे था, बिल्कुल पक्का जो रास्ता आ जाता है वही रास्ता है। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे मंदिर है। आप लोग इस रास्ते से गुजरोगे तो आपको लगेगा नहीं ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे पीछे। मंदिर से आ चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे हमने स्वेटर पहन लिया क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है। मंदिर के सामने एक प्राकृतिक सरोवर है जहाँ पे लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस झील के अंदर हजारों करोड़ों खरबों का सोना है जिसकी रक्षा स्वयं बाबा कमरुनाथ करते हैं। इस हम लोग मंदिर से काफी देर पहले यहाँ पहुंच चुके थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हो धूप निकल गई है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, आप लोग देखिए एक बार। ये मेरा दोस्त और बाकी के दोस्त अभी यहाँ पे नहीं है। तो गाइज हम लोग फाइनली कमरुनाग जी से जा रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं, और अब काफ़ी लंबा रास्ता है, सारी की सारी उतराई उतराई है, सीधा रास्ता तो है नहीं, सिर्फ पहाड़ का रास्ता है सारा का सारा। तो भाइयों यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश लग गई है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। हम लोगों ने वैसे तो छाते वगैरह डाल के रखे हैं, लेकिन फिर भी रास्ता पूरा चट्टानों वाला है, पूरी फिसलन वाला है, तो डर रहता है कहीं फिसल ना जाए या फिर कुछ हो।
बस थोड़ा सा रास्ता रह गया नीचे उतरते वक्त। मैं और मेरे दोस्तों मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस रोहंडा पहुंच चुके हैं, मैं और मेरे दोस्त साथ में हैं। मेरे तो पैरों में काफ़ी दर्द लगी थी, मेरा पैर तो बीच पत्थर में कहीं बच गया था, तो इसकी वजह से मैंने शूज़ हाथ में पकड़े हैं। काफ़ी थक चुके हैं, अब चाय वगैरह समोसे वगैरह खाएंगे, फिर उसी के बाद जो है वापस घर की तरफ निकलेंगे। बाय गाइस। यस्टरडे आई वाज नॉट एबल टू फिनिश माय व्लॉग बिकॉज हम रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे, जिसकी वजह से मैं आते ही सो गया था, और इसलिए मैं आज ये व्लॉग फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकियों के साथ शेयर करें। दिस इज मंथन गुप्ता साइनिंग ऑफ।